द्वारका में क्या रहे, लगता है उस्ताद खुद को काना मानने लगे हैं। ओए ढोलू बोलू इधर आओ। बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? अब जरा वो बांसुरी मुँह से लगा कर तो खड़े रहिए। अब बोलो लग रहा हूँ ना काना? काना का तो पता नहीं, कार्टून जरूर लग रहे हो। तुम दोनों को तो मैं किसने कहा मैं कान्हा बनना चाहता हूँ? ये सब नौटंकी ऐसे ना समझो के लिए है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो तुम काफी अच्छे लग रहे थे। भले ही तुम्हारी द्वारका में मैं घुस नहीं सकती काना, पर फिर भी तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। अब उस काना को मेरे सेवक निष्प्रयास उठा लाएंगे। वक्त मिलेगा। चलते हैं, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुमने बहुत बहादुरी से उन चीतों का सामना किया भीम। तुम कहते हो कान्हा, इसीलिए मान लेता हूँ, वरना कौन विश्वास करेगा कि दिन दहाड़े चौक के बीचों बीच शेर आ धमके। शेर नहीं, चीते, चीते, और वो भी तीन। वैसे भी बातें बनाने की आदत तो तुम्हारी है कालिया, भीम की नहीं। बॉडी तो बनती नहीं, इसीलिए बातें बनाते हैं। उस्ताद, मगर सच में कान्हा, ये बात तो वाकई अजीब है। हाँ, और वो चीते साधारण नहीं लग रहे थे। लेकिन कान्हा, तुमने उन्हें रोका कैसे? क्योंकि द्वारका मेरी नगरी है और इसके अंदर मुझे कोई भी बाहरी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस रही बात इसकी कि उन जानवरों ने किसके कहने पर यह आक्रमण किया, पर वो बाद में देखा जाएगा। काना के साथ एक महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे भी तुम सब के साथ बहुत मजा आया, और अफसोस यही है कि आज ही तुम सब ढोलकपुर वापस चले जाओगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, वरना हमारे परिवार वाले परेशान होंगे। बस जाने के पहले मैं तुम सबको कुछ तोहफे देना चाहता हूँ।
कॉफी हमारे लिए भी? हाँ, और सबसे पहले कालिया। तुम्हारे लिए ये नन्हा झोला। झोला? हाँ, इसमें एक ऐसा चूरन है जो अगर किसी पर भी फूको तो उसके मन में चल रही बात सुनाई पड़ती है। अब तुम दोनों के लिए ये अनोखा बक्सा। इसमें भी चूरन है? नहीं नहीं, इस बक्से को हाथ में लेकर तुम जो खाने की चीज मांगोगे वो बक्से के अंदर पाओगे। खाने की चीज? अरे वाह, झोलू भोलू की तो निकल पड़ी। कुछ मांग कर देखो तो भोलू। लड्डू। मस्त है ना उस्ताद? क्या उस्ताद, अपने तोहफे को इस्तेमाल करके नहीं देखोगे? नहीं करना, तुम्हें क्या? अरे कालिया, तुम जरा भी उत्सुक नहीं? मैं तो हूँ। वापस कर वो। बोलो, पकड़ो। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, ना समझ कहीं के। शुक्र मानो, 30-30 के साथ ये शेर और सवा शेर अभी तक टिके हैं। ओए, क्विंटल किसने कहा? किसने? मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोल ढोलो, ज्यादा जुबान चलाई तो पछताएगा। पछता तो वैसे भी रहे हैं आपके चेले बनकर। अच्छा, उस्ताद ने दांत कसे तो समझो अपने दांत गए। अरे ये कैसे, डोलू डोलू के बिना बात किए ही उनकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है ये उनकी मन की बातें हैं जो हम सुन पा रहे हैं। सही समझे भीम। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों के दिमाग में हमेशा ऐसी बातें चलती रहती है। है। क्या? कि आप इसको पकड़ो, हम रास्ता पकड़ते हैं। रुक, रुक, रुक। छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए, छोटा भीम घबराए, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया, चिंता में छोटा भीम आया, भय से सबका मन घबराया, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, चुटकी राजू जग्गू बंदर, छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर काना आए, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा छोटा भीम और